से बड़े हो गए फिर उन्होंने हजूर ने फरमाया चलो बड़ा बड़ा ना इसको इस वाली इजाजत दे देते हैं तो छोटे को बात है तो छोटा रोमन लग गया जोर ना रोमन लग गया हजूर फरमाया तेन की हो गया था हजूर छोटे होने मेरा कसूर तो कोई नहीं भाई ने इजाजत दे दी थी सरकार फिर समझा अर्ज करता है हजूर इंज करो कि मेरी कुश्ती करवा अगर ये जित गया तो मैं इजाजत पहले मिल गई मैं वापस चला जाता अगर मैं जित गया तो मैं नहीं इजाजत दे हजूर ने इजाजत दे दी थी कोई ऐसा कमांडर इन चीफ है कि इतनी बड़ी फौज मुकाबले चाहिए हो तो बच्चों की कुश्तियां करवा रहे हो हजूर ने इजाजत दी थी मैदान चाहे हाथ जोड़ी है छोटे भाई ने बड़े भाई को आख्या भाई कान तो जरा नेड़े कर उन्हें कान नेड़े किया तो आखन लगा कि भाई तुम तो इजाजत मिल गई हजूर हूं अपने वादे को भैटना कोई तो मेरे नाल एक सौदा नहीं कर लेते भाई ने भाई को पूछा की सौदा करना चाहना भाई सौदा यह कर ला कि अज मेरे को जान के पै गया कुश्ती हार गया जिंदगी अगर रही तो सारी जिंदगी बतौरे भाई कोई हक अपना मैं तलब कर सा सारे हक तेन माफ किए भाई की समझ भी आ गई बड़ा भाई थोड़ी देर कुश्ती हुई तो बड़ा भाई जान के डेकिया तो छोटा दौड़ गया तो हजूर की बारगाह चल करता हजूर हूं तो मैं इजाजत दे दो कि मैं भाई ने पूछा हुआ सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया इजाजत तो उधर दे दी है कि तो भाई के कान में गल कर रहे हैं जिस कौम को ऐसे मुजाहिद और ऐसे जज्बे चंगा हथियारों में सिर्फ नहीं जीतियां जाती अगर सिर्फ हथियारों में जीतियां जाती तो रूस के इतने टुकड़े ना होते सुपर पावर अपने वक्त की जंग जज्बे नाल कीती जाती और जज्बा जिथे ऐसे नौजवान मौजूद हो नौ नौ दस दस साल दे और फिर जब इन्होंने इजाजत मिल गई तो इन्होंने फिर अबू जहल को तलाश करके इस बुला लिया अबू जहल के किसी पैरोकार ने उन्हें पूछा सरदार कोई हसरत है उन्हें कहा दो हसरत आ गई है एक तो जट्टा मार देते जट्टी भी बोलो बाकी जट तो मुराद सिर्फ कौम नहीं जट तो मुराद काश्तकारी करने वाले कि मदीने वाले आते हैं ना जट होंगे ये नफरत करते हैं कि ये कमजोर है ये तो वाही कर देते हैं बड़े बादशाह एक जट्टा मार छड़े तो दूसरा दो बारह मार छड़े तो जब किसी गर्दन कट्टे लगे ना तो गर्दन कट्टे वाले ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या मुसलमानों का निजाम है दुश्मन को मारन लगे हुए पूछ रहे कोई आखिरी ख्वाहिश है उन्हें अगर इको आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी गर्दन जरा नीचियों करके कटना ताकि जब मेरा सिर सामने आवे पता लगे सरदार का सिर है तेरा बेड़ा घर खोले मरण लगे अभी आपता नहीं मिली सही है मर गए मगर आदत अजे भी है कि मैं लगा कि मेरा सिर जरा वड्डा है हूं समझ नहीं वे कोफरा के इंसान को इंसान समझते बुनियादी फॉल्ट है टेक्निकल फॉल्ट है जो इंसान को इंसान नहीं समझ देता एक पास काफिर वासले जहन्नम हो रहे और ख्वाहिश है कि मेरी गर्दन कट्टी जाए लेकिन थले कट्टी जाए ताकि पता लगे मैं सरदार हूं और दूसरे पास सारी कायनात का सरदार फतेह मक्का वाले दिन सिर इतना झुकाए है कि पेशानी ऊटनी दी पलान ना लग रही जिन्हों की खातिर सारी कायनात में वजूद बख्शिया गया और ना भी आज ही तो इतनी है जरा जहन्नम की अग च जा रहे उसकी आकड़ से तकबर इतना है और उसका अपना फखरी अंदाज इतना है कि लोग समझन के मैं कितने बड़े कबीले का सरदार हूं पता लगा सरदारी किसी कबीले के नाल नहीं सरदारी मेरे नबी की गुलामी के नाल जरा नबी का गुलाम हो गया बिलाल को हजरत उमर फारूक अक्सर सैयद ना बिलाल कह के पुकारते किसी ने पूछ लिया तुसी सरदार हो तो गुलाम है भावें आजाद भी कर दिता लेकिन है तो गुलाम इबने गुलाम तुम सैयद सरदार कह के पुकार दो अरे तुमने